हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइनाइट वर्ब के कुछ काइंड्स की। इससे पहले मैंने अपनी पार्ट वीडियो में आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया था। ये पार्ट टू है, तो इसमें मैं आपको ऑक्सिलरीज वर्ब के बारे में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑक्सिलरीज वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ये वर्ब कौन सी होती है? ऑक्सिलरीज वर्ब वे वर्ब होती हैं जो कि मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, और उनके हेल्प करने से ही हमारा टेंस बन जाता है। बिना ऑक्सिलरीज वर्ब के हमारा टेंस बनेगा नहीं। वो कैसे, वो बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा। इसके दो काइंड्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरीज। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज की। इसके थ्री काइंड्स होते हैं। पहला है बी वर्ब, दूसरा हैव वर्ब, तीसरा डू वर्ब। बी वर्ब कौन सा होता है? जिसमें हमारे इज, आर, एम, वास वर्ब आते हैं। और हैव वर्ब होता है जिसमें हैज, हैव और हैड ये वर्ड्स आते हैं। और डू वर्ब होता है जिनमें डू, डस, डिड ये वर्ड्स आते हैं। तो चलिए आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि ऑक्सिलरीज वर्ब वे वर्ब होती हैं जो टेंस बनाने के लिए मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बी वर्ब की, जिसके ये एग्जांपल हैं। तो पहला हम लेते हैं एग्जांपल। जैसे पहला मैं लूँ यहाँ पर आई एम, I am teaching, English. तो यहाँ पर हमारी ऑक्सिलरीज वर्ब कौन सी है? एम। क्यों? क्योंकि जो मेन वर्ब है टीचिंग, ये मेन वर्ब की हेल्प कर रही है। यदि मैं यहाँ से एम को हटा दूँ तो हमारा टेंस क्या होगा? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा, इसका तो कोई सेंस ही नहीं आ रहा है निकल कर। तो उसका सेंस आने के लिए, हमारा टेंस अच्छे से बनाने के लिए हम यहाँ पर ऑक्सिलरीज वर्ब का यूज़ करेंगे कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। हम दूसरे एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लूँ यू वर बीटिंग मी, तुम मुझे पीट रहे थे। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब है वर्ब, क्योंकि यह बीट की हेल्प कर रही है, तभी हमारा पूरा टेंस बन कर आएगा। वरना यदि हम यहाँ से वर्ब हटा दें तो हमारा क्या होगा टेंस? तो मुझे पीट रहे, इसका कोई सेंस निकल कर नहीं आ रहा। इसलिए ये जो वर्ब है हमारी मेन वर्ब की हेल्प कर रही है, इसलिए ये वर्ब जो हमारी कौन सी वर्ब हुई? ऑक्सिलरीज वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हम बात करेंगे हैव वर्ब की। हैव वर्ब कौन कौन सी होती हैं? हैज, हैव, हैड, इनमें से हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर मैं पहले लूँ दे हैड प्लेड मैच, तो क्या आएगा? वे मैच खेल चुके थे। अगर मैं यहाँ से हैड को हटा दूँ तो हमारा क्या हो जाएगा? अगर मैं हेड को यहाँ से हटाऊँ तो क्या हो जाएगा? वे मैच खेले। लेकिन हमें यहाँ पर हेड वर्ड लेकर आना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाना लेकर। इसलिए वो चीज़ करने के लिए हमें यहाँ पर हेड का यूज़ करना पड़ेगा। और हेड यहाँ पर क्या है? ऑक्सिलरीज वर्ब, क्योंकि वह मेन वर्ब प्लेड की हेल्प कर रही है, तब जाके हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा और हमारा टेंस निकल कर आएगा। दूसरा लो एग्जाम्पल, जैसे आए Have not bathed today. मैं आज नहीं नहाया हूँ। इसमें हमारी ऑक्सिलरीज वर्ब कौन सी है? Have, क्योंकि वह मेन वर्ब की हेल्प कर रही है। यदि यहाँ से हम एक सेकंड के लिए हटाएं तो हम क्या पाएंगे कि मैं आज नहीं नहाया। तो इसमें कोई सेंस नहीं आ रहा निकल के कि सब्जेक्ट के बाद यदि हम नॉट लगाएं फिर मेन वर्ब लगाएं, कोई सेंस निकल कर नहीं आ रहा। इसलिए यहाँ पर उसका सेंस निकालने के लिए, टेंस बनाने के लिए हम यहाँ पर ऑक्सिलरीज वर्ब हेल्प का
यूज़ करेंगे। तो ये है हमारी हैव वर्ब। अब हम बात करेंगे डू वर्ब की। डू वर्ब कौन कौन सी होती हैं? चलिए डू वर्ब जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ, डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। अब यहाँ पर हमारी ऑक्सिलरीज वर्ब कौन सी है? डू। क्यों है? क्योंकि यह लाइक मेन वर्ब की हेल्प कर रही है। यदि मैं यहाँ से डू को हटा दूँ तो यहाँ पर क्या होगा? तुम मुझे पसंद करते हो। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन पूछना नहीं हुआ, ये तो हो गया कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये बता रहे हैं कि तुम मुझे पसंद करते हो। लेकिन हमें इसका इंटरोगेटिव बनाना है डू का यूज़ करके, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। इसीलिए यहाँ पर जो डू है वो मेन वर्ब की हेल्प कर रही है उस इंटरोगेटिव बनाने के लिए और टेंस सही बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा एग्जांपल ले लें यहाँ पर मैं कि वी डिड नॉट वॉच मूवी। इसमें हमारी ऑक्सिलरीज वर्ब कौन सी है? डू वर्ब यानी कि डिड है। क्यों? क्योंकि यह मूवी जो हम देखने का काम कर रहे हैं मेन वर्ब उसकी हेल्प कर रही है डिड जो है हमारी, वरना इसे हटा देंगे तो क्या होगा, हम मूवी नहीं देखा, क्या कुछ सेंस नहीं आ रहा है निकल कर। इसलिए यहाँ पर जो हमारे डिड है वो क्या है, ऑक्सिलरीज वर्ब है जो कि हमारी मेन वर्ब वॉच की हेल्प कर रही है। तो दोस्तों हमारी ऑक्सिलरीज वर्ब यही होती हैं कि जो वर्ब टेंस बनाने के लिए मेन वर्ब की हेल्प करें वो वर्ब हमारी ऑक्सिलरीज वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब कही जाती है। हम दूसरे तरीके से भी जान सकते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, हेल्प उसके नाम से पता लग रहा है कि ये हेल्प करने वाली है, तो इसलिए मेन वर्ब की हेल्प करेगी वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। वी विल मीट अगेन इन द Part-3 एंड आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस इन मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब एंड द लिंकिंग वर्ब। एंड बिफोर वॉचिंग माई थर्ड वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। थैंक यू।